गए हो, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट हमें कब होता है सामने वाले की बातों में? जब पहले से हमने अपने कोई बिलीव्स नहीं बनाए हुए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में मेरी एक इमेज बनी हुई है, यहाँ ये बंदा है, ये बोलता है, इतने करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, तो बाद में कुछ ना कुछ तो ढंग का होगा ही, तो बैठ करके सुन रहे हो। यहीं पर किसी और बंदे को ला करके मैं खड़ा कर दूंगा आप में से ही, जो हो सकता है मेरे से भी अच्छा कुछ बोल रहा है, कोई और काम की बात कर रहा है, नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है, उसको सुनोगे क्या? तो अब पॉइंट ये आता है कि कैसे जिस भी इंसान से हम मिले, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो एज में बड़ा है हमसे चाहे हमसे छोटा है, चाहे वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, हम किसी से भी मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल साइलेंटली आराम से पूरे इंटरेस्ट के साथ कैसे सुने? वो कब हो सकता है? जब आपका एटीट्यूड, जो बेसिक इस दुनिया का एटीट्यूड है, वो है अर्निंग एटीट्यूड, वो ना हो, आपका एटीट्यूड हो लर्निंग एटीट्यूड। हर सिचुएशन में कब कहां पर कैसे रिएक्ट करता है, ये कब पता लगेगा? जब हमने उसको सुना, साइलेंटली फील किया, समझा, फिर देखा कि इस सिचुएशन में कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, नहीं बोलना है, तेज बोलना है, धीरे बोलना है, गुस्सा करना है, नहीं करना है। कई बार कई सिचुएशन में गुस्सा करना जरूरी होता है, बहुत बार हम अननेसेसरी कर रहे होते हैं। यानी ये कह लो जो भी पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबल अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है, नियर टू बेस्ट, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाए, तो आप कह सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है। Thank you.